आजकल शादी विवाह में हर्ष फायर करना लोगों की मानसिकता हो गई है, जबकि इसको लेकर प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा कई बार निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर अभी भी लोगों में भय नज़र नहीं आ रहा है। एक ऐसा ही मामला दतिया जिले से निकल कर सामने आया है, जहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान दतिया के गोरागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनारी में हरवीर बघेल के परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। शादी में डीजे बजाया जा रहा था, इसी दौरान श्याम बघेल नामक युवक ने अपने पिता की 12 बोर दुनाली बंदूक से हर्ष फायर किया। गोली 7 वर्षीय मासूम पीयूष बघेल और उसके पिता पवन बघेल को लग गई। गोली लगने से पीयूष की मौत हो गई, उसका पिता पवन घायल हो गया। पवन को उपचार के लिए ग्वालियर भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को नामजद कर लिया है। दतिया के प्रभारी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सेवेरे के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। दतिया से खबर हर पल के लिए रनी लटोरिया की खबर। में कल शादी थी जिसमें कोठी केदारपुर ग्वालियर जिले में पड़ता है, वहाँ से बारात आई थी सुनारी गांव में। ये बघेल समाज का शादी समारोह था, लगभग 8:30-9 के बीच की बात है। वहाँ एक व्यक्ति है श्याम, तो उसने अपने पिता की लाइसेंस बंदूक से हर्ष फायर किया, जिसमें जो हर्ष फायर से उस एक पवन उसके पैर में गोली लगी और उसके बच्चे के चेस्ट में गोली लगी थी, जिसमें बच्चे की डेथ हो गई थी। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, एक्चुअली वो सीधे ग्वालियर चले गए थे, जैसे ही संज्ञान में आया मामला, तत्काल इसमें 302, 307 और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम्स बना दी गई हैं। लगातार रात से ही आरोपी की धरपकड़ की जा रही है और संभवतः जल्द से जल्द आरोपी को इसमें अरेस्ट कर। सर, लाइसेंस निलंबन के लिए भी लिख रहे हैं? बिल्कुल, निसंदेह लाइसेंस निलंबन के लिए संबंधित एसपी साहब को और वहाँ के डीएम साहब को इसमें लिखा जाएगा। ये मिसयूज किया हुआ है उन्होंने कि हमारे सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में हर्ष फायर पर प्रतिबंधित है। सर, शादी समारोह का माहौल है इस समय चल रहा है और लगातार देखा भी जाता है कि लोग अपनी लाइसेंस हथियार लेके जाते हैं, उनके लिए सर क्या कहना है? देखिए, लाइसेंस हथियार लेने के चलने पे तो प्रतिबंधित नहीं है, हाँ हर्ष फायर पे या उसका जनता के सामने इस तरह से कि कोई भय का वातावरण है उसमें प्रतिबंधित है। और तो आप लोगों ने देखा ही है कि दतिया पुलिस लगातार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पिछले कुछ समय में हमने लगभग 250 के आसपास ऐसे जो लाइसेंस हैं उनको निलंबन भी कराया है। तो ऐसा जब भी कोई प्रकरण आता है, सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई हो सकती है पुलिस के द्वारा की जाती है। धन्यवाद।